अभी थोड़े दिन पहले सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, सुना आप लोगों ने, एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया, एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं, भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ तुम। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है इंडिया। थोड़े दिन पहले तक, पिछले साल तक ये लोग प्रोग्राम चलाते थे, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हाँ जी, ले देखो इंडिया, ये इतने प्रोग्राम चलाते थे इंडिया इंडिया पे। ऑपोजिशन वालों ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हम इंडिया नाम बदलेंगे, कल हम लोग अपना नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत का भी नाम बदलोगे। हम अगली मीटिंग में ऑपोजिशन वाले सारे मिलके अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत नाम भी बदलोगे। तुम्हारे पिताजी का है भारत, तुम्हारे पिताजी का इंडिया, खबरदार अगर तुम लोगों ने इंडिया का नाम बदलने की हिम्मत की तो 140 करोड़ लोग उठ के बीजेपी वालों को इस देश से बाहर भगा देंगे।